स्मार्ट सिटी नहीं बना है, बताइए। अरे भैया बताइए ना, स्मार्ट सिटी 33-34 को बन गया है। देखिए यूपी में बनारस भी एक तरह से स्मार्ट सिटी है। मोदी ना है दुनिया है भाई, उनसे बहुत तकलीफ है। 800 रुपया बढ़ जाएगा, बाद में जब इलेक्शन आएगा 200 रुपया घट जाएगा। सो स्मार्ट सिटी बन गया, कितना बना है तुम बताओ, कितना बना है पता है? आप बताए कितना, हमको तो पता है, तुम बताओ कितना बना है? हम तो बोल रहे हैं बन गया है। एक भी नहीं बना है, एक भी नहीं बना है, नहीं बना है, डाटा नहीं इनके पास, डाटा नहीं है। स्मार्ट सिटी कितने बने? स्मार्ट सिटी नहीं बना है, बने बना है, वही बताइए। अरे भैया बताइए ना, स्मार्ट सिटी 33-34 को बन गया है। 33-34 को और क्या, एक स्टेशन का नाम, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। भैया 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 भाई साहब एक स्मार्ट सिटी का नाम सुनिए, एक स्मार्ट सिटी का नाम सुनिए, एक स्मार्ट सिटी का नाम। हाँ बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब गिनाएंगे बारी बारी, सब गिनाएंगे। अब सुनिए, अब सिलेंडर की बात करिए, सिलेंडर की नहीं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। 33-34 बन गए, अब बताए कहाँ का बताए, कहीं का बताए, एक बता दीजिए स्मार्ट सिटी का नाम। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी नहीं है? चंडीगढ़ तो पहले से वैसा है, पहले से नहीं था, पहले आज पहले से नहीं था, चंडीगढ़ पहले नहीं था, पहले से अच्छा स्मार्ट सिटी बना है चंडीगढ़। भैया वही मैं भी रहता हूँ, बात मानो, वही यूपी के, यूपी में बनाओ, यूपी में कोई स्मार्ट सिटी बनाओ, चंडीगढ़ का, वहीं के रहने वाला हूँ, बुरा हाल होगा वहाँ पे, चंडीगढ़ का। क्या बताइए भाई साहब, बताइए स्मार्ट सिटी बहुत, मैंने रहता चंडीगढ़, स्मार्ट सिटी कहीं नहीं बनाई गई है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल गरीब गरीब आदमी बेहाल हो गए हैं, गरीब आदमी। ये बताइए जो कॉरिडोर बनाओ, भाई साहब कह रहे बड़ी भाई बात, कॉरिडोर बनाए हैं, जो कॉरिडोर बनाओ वहाँ कितने गरीबों की गरीब। हम सवेरे 8 बजे आए थे गाड़ी चलाने, ठीक है, अभी मेरी जेब में मात्र 300 रुपया है। एक दिहाड़ी मतलब जो अगर हम मजदूरी करते तब भी 400 मिलता है, तब भी 5 बजे छूट जाते और 500 रुपए मेरी जेब में होते, 300 रुपया है केवल। अब ये स्थिति है अपने लोगों की, अब समझ जाओ, इससे ज्यादा बस भूखे मरने की नौबत, 6 दिन आ गए, 6 दिन ऐसे आ रहे हैं, 6 दिन अब आए लोग, 6 दिन ला रहे हैं, अच्छे दिन तो ला रहे हैं, बता तो रहे हैं, अच्छे दिन शिक्षक बात नहीं करेगी, कभी शिक्षक वाला भूखा मर रहा है। एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, आप बात को सुनिए, पूरे डाटा मांग रहे हैं, 69,000 शिक्षक, इनकी सरकार खुद कही कहा जनरल, बात सुन लीजिए। उसमें भी आपको लगता है कि आरक्षण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर घोटाले किए गए, हर लेकिन 33-34 स्मार्ट सिटी बन गए उसी, एक दो बताइए। एक तो आपको बता दिया चंडीगढ़, हाँ और चंडीगढ़ हो गया, अब पुरान कर दिया है। यूपी में कितने बने, यूपी में बताओ, यूपी में कौन सा? देखिए यूपी में बनारस भी एक तरह से स्मार्ट सिटी है, बनारस बन गया, वहीं से आ रहे हैं, वहीं रहने वाला हूँ, दिखा दूँ, मैं वहीं के रहने वाला हूँ, बनारस के रहने वाला हूँ, बताइए तो बनारस के रहने वाला, वहीं से है। बताइए कितने गुंडे जेल के अंदर हैं, जितने गुंडे हैं सब इनके साथ, अजीत पवार एक था उसके ऊपर सीबीआई जांच, ठीक है आप करो, बनारस स्मार्ट सिटी हो गया, बनारस के रहने वाले करें, बनारस के हैं, बनारस के हैं, इनके सरकार कहती है कि कांग्रेस का हर नेता भ्रष्ट है, एक भी नेता क्यों नहीं भी जेल में गया, बताओ बताओ। हरियाणा को मुख्यमंत्री, और यहाँ 24 में क्या चाह रहे हैं आप, 24 कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, लाएगी, क्लियर है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं बनेंगे, नहीं बनवाएंगे, क्यों नहीं भाई? अरे क्या किया बताओ देश के लिए, क्या किया? मोदी जी नहीं बनेंगे तीसरी, क्या किया, क्या बताओ? अरे हम आ गए तो देश बच गया, नहीं हम ना आते तो देश बचता भी नहीं। 70 साल से क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ? देश को बेच दिए मोदी ने, देश को बेच दिए मोदी, योगी मिलकर देश को बेच दिए। 24 में कौन आए? 24 में इंडिया गठबंधन, 24 में इंडिया गठबंधन आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा 24 में, हाँ बिल्कुल जी, नहीं आएंगे मोदी जी, बिल्कुल नहीं आएंगे। एक काम बताइए जिसके लिए मोदी जी आएंगे, ये बता रहे कि बहुत सारे काम करें, मैं बताए गिनवाए उसका काउंटर करता हूँ, कौन सा काम तो करें, बहुत काम कर रहे, बताइए ना एक काम गिनवाए, बता रहे हैं वही, सुनिए इंडिया गठबंधन आएगी, देखिए सब पशु पक्षी एक तरफ पानी पीने आता है ना, एक तरफ जैसे ही शेर आता है,
38 दलों का गठबंधन है। इंडिया 28 का है, इंडिया 28 का, 38 दलों का गठबंधन है, 38 दलों का गठबंधन है, 38 हो चाहे 50 हो, एक अपना शेर कह रहा है, गठबंधन के साथ एनडीए में 38 दल ऐसे हैं जिनका गठबंधन है। अब देखिए बिलाया था ना, सबको लगा था कि गिरा देंगे, तो इंडिया में भी तो बहुत सारे दल है, सुनिए किसानों का बिल था, जो किसानों का बिल था वापस लिए कि नहीं, वापस लिए कि नहीं, बिल्कुल वापस लिए कौन सा बिल बताइए, किस बिल के बारे में आप ही तो बोल रहे थे, बिल आया था, बिल क्या होता है, कौन सा बिल, दिल्ली सर्विस बिल आया था ना, अभी किसानों का बिल वापस लिए कि नहीं, लिए ना, आया ना, हमारा हर एक मैटर में हाँ का क्यों लाए थे उस बिल को, क्यों साल भर में 700 किसान मारे, साल भर में सात किसान क्यों 24 में कौन है, 24 के बाद में किलो आटा कौन आएगा, 24 में 30 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 55 से लेकर आज तक राशन 1 रुपया का नहीं मिल रहा है हमको, अभी 24 में परिवर्तन चारों मोदी जी को चाह रहे हैं, दूसरा सरकार आए, आप किसको चारो चाहते हैं, मोदी ना दुनिया है, मोदी ना दुनिया आए भाई, उनसे बहुत तकलीफ है, 800 रुपया बढ़ जाएगा बाद में, जब इलेक्शन आएगा 200 रुपया घट जाएगा, बाद में फिर 1200 बढ़ जाएगा, मतलब क्या है यार, भैया अरे हम समझ नहीं, हम कहा समझे, महंगाई दिक्कत है आपको, महंगाई से दिक्कत है ही है, 200 रुपए सस्ता तो कर दिया, तो 200 रुपए बाद में इलेक्शन के बाद 600 बढ़ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा यार, महंगाई उतना रुपया निकाल लेता है, इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगा, हाँ इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगा, 200 कम किया इलेक्शन बाद 600 बढ़ जाएगा, 600 बढ़ेगा यार।